हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके कार में ऑडोमीटर में अगर आपको एबीएस की लाइट और वार्निंग लैंप ब्लिंक कर रहा हो, एबीएस और लाइट और वार्निंग लैंप ब्लिंक कर रहा हो और फ्यूल का जो है गेज भी वर्क नहीं कर रहा हो, वो भी एम्प्टी दिखा रहा हो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको दो से तीन चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो आपकी कार को आपको लिफ्टअप करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस चेक करनी है आपको। यहाँ से देखना है कोई वायरिंग कटी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई वायरिंग कटी है क्या? कटी है नहीं। उसके बाद टैंकी, तो अपने को क्या टैंकी के ऊपर से जाता है सब, तो रिमूव करनी है और देखना है यहाँ पे कुछ है, उसके बाद पता चलेगा। सो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए हमने फ्यूल टैंक रिमूव कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है वो कट है वो है इधर, तो इसको रिपेयर करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।